तो आज हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आगाज करते हैं, हम डैशबोर्ड पे हम काम करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको यहाँ से डिबगिंग स्टॉप कर देनी है। डिबगिंग स्टॉप करने के बाद क्या करना है, हमें एक व्यू बनाना है। व्यू किस लिए बनाना है, हमने डैशबोर्ड जो क्रिएट करना है उसके लिंक, जिस तरह ये लेआउट के अंदर पड़े हैं ना स्क्रिप्ट और लिंक, इस तरह हमने जो डैशबोर्ड बनाना है ना उसके अलग से लिंक्स है, वो हमने कहाँ रखने हैं, उस एडमिन कंट्रोलर नाम के जो लेआउट होगा उसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने व्यूज के फोल्डर पे आ रहे हैं, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं व्यूज में एडमिन के नाम से। एडमिन के नाम से क्रिएट करें, किसी और के नाम से क्रिएट करें ये आपकी मर्जी है। तो एडमिन के नाम से क्रिएट कर दिया मैंने। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, एक फ्रंट व्यू, एक लेआउट ऐड करना है हमारा। यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड पे आना है, ऐड के बाद न्यू एटम में जाना है। न्यू आइटम के अंदर जाने के बाद यहाँ से सर्च के अंदर लिखते हैं रेजो। तो यहाँ से देखें मुख्तलिफ जो लेआउट शो रहे, लेआउट पेज रेजो वर्जन 3 ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर रीनेम कर दे इसको। तो यहाँ इसका नाम रख देते हैं एडमिन कंट्रोल, एडमिन कंट्रोल। इसके अंदर हमें क्या रखने हैं, लिंक्स, कौन से लिंक्स रखने हैं डैशबोर्ड के लिए, और डैशबोर्ड के लिए कौन से हैं वो आप, मैं आज पे ओपन करता हूँ। और ये भी मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, ये कंटेंट जो मैं आप करने जा रहा हूँ, आपको परेशानी नहीं होनी इंशाल्लाह। ये ऊपर वाले लिंक है, यहाँ से आप कॉपी कर लेने, जिस तरह लॉगिन के इंडेक्स के लिए हमने लेआउट के अंदर लिंक और स्क्रिप्ट रखे थे, उनका पाथ ये एल्डर साइन कंटेंट के साथ ऐड कराया था इजाफी। तो इस तरह आपने भी ऐड नहीं करना पड़ेगा अगर आप इससे हेल्प लेंगे। अगर हाँ आप अपनी तरफ से भी दोबारा इसको चेक रीचेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, ये क्रिएट हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पेस्ट, लिंक्स पेस्ट हो चुके हैं। और अब स्क्रिप्ट्स भी लेनी है यहाँ से, ये स्क्रिप्ट्स कॉपी करके वहां पे ले जाए, कहाँ पेस्ट करना है, या एड रेंडर बॉडी के नीचे और बॉडी के स्लैश टैग से ऊपर, ये हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे क्या रखना है, जो इंडेक्स लेआउट के अंदर एक ये पड़ा है नया बार, जो आपने वहां पे रिमूव नहीं कराया था, और हमने ये कहा था कि हम इसको फिलहाल रहने देते हैं, जब हम लेआउट क्रिएट कर लेंगे डैशबोर्ड के लिए फिर या इसको यहाँ से वार प्लेस कर देंगे। तो इसको यहाँ से कट कर लें। अब एडमिन कंट्रोल के अंदर आके इस बॉडी के ऊपर ना यहाँ पे ये पेस्ट कर देते हैं, ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये हमारे लिंक्स रेडी हैं डैशबोर्ड के लिए। अब हम काम करते जा रहे, एक और क्रिएटिव व्यू क्रिएट करते हैं होम के अंदर, मतलब होम कंट्रोलर के अंदर इसको जो है ना कंट्रोल भी देना होगा, व्यू क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि हमने ये एडमिन कंट्रोल वाला जो लेआउट है ये हमने बैकअप पे इसको देना है डैशबोर्ड को, इसका नाम डैशबोर्ड रखते हैं या आप कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने अब कंट्रोल वाला किया है जिसके अंदर हमने स्क्रिप्ट और लिंक रखे हैं व्यूज के अंदर है, एडमिन के अंदर, ये एडमिन कंट्रोल के नाम से है, यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको ओके कर दें। और ये देखिए आप नीचे ये शो हो रहा है, तो ऐड करते हैं। बिल्कुल, ये डैशबोर्ड के नाम से ये हमारा व्यू क्रिएट हो चुका है, शेयर इट। और इसके अंदर ये हमने ये लिंक्स भी कर लिए, स्पेस भी कर लिए। अब हमने इस व्यू के अंदर जो काम रखना है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये पड़ा है। ये ऐसे मैं ना फाइल जो है ना मैं ये लिंक में ऐड कर दूंगा वहाँ से, ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, तो आपने वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख लेना या वैसे वहीं पे देख लेना। तो इसको ये रिमूव करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और अब यहाँ पे देखें ये
यहाँ पे आपने जैसे नेम चेंज करने हैं अपनी तरफ से, जो रखना चाहेंगे सप्लायर्स रखे हैं, कस्टमर रखे हैं, क्लाइंट्स रखे हैं, इनवॉइस रखे हैं, तो यहाँ पे हमने नेम चेंज करने हैं। इसका नाम क्या कर देता हूँ, डिपार्टमेंट रख देता हूँ, डिपार्टमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया। अपॉइंटमेंट के बाद पेशेंट काज ले लें, इसको बाद क्या करते हैं एम्प्लॉय ले लेते हैं, यहाँ पे डॉक्टर पे इन डिपार्टमेंट, ये डॉक्टर के लिए बेसिकली, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा डॉक्टर काम कर रहा है। इसके अलावा एक और चीज है स्टेटस है, यहाँ पे हमने इमेजेस भी याद रहे कि हमने ऐड की थी, यहाँ पे इमेजेस के अंदर ये आई हुई है। अब हम अगर डिपार्टमेंट की देखें तो ये डिपार्टमेंट की पड़ी है, तो ये डिपार्टमेंट की हम तो स्टेटस के लिए नहीं है मेरे ख्याल में, स्टेटस के लिए हमें ऐड और करनी होगी कहीं। पहले हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, ये देखिए हेडर साइन फॉरवर्ड स्लैश कंटेंट फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस, यानी कि ये पाथ है, ये कंटेंट है, ये इमेजेस है उसके अंदर फोल्डर, और कौन सा ये स्टॉक वाले की है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देना है डिपार्टमेंट वाले की, डिपार्टमेंट आर जेपीजी, ये देखिए ये पड़ी है, ये वाला पाथ हमने दिया। इसके बाद अपॉइंटमेंट यहाँ पे ये चेंज करना है, ये आ गया। के बाद यहाँ पे पेशेंट कास चेकअप दे देते हैं, चेकअप वाली। इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर है, ओके हो गया। यहाँ पे दूसरी जो डिपार्टमेंट की पड़ी थी वो दे देते हैं, ये डिपार्ट के। स्टेटस में हम कौन सी फिलहाल दे, लेकिन स्टेटस को मैंने ऐड नहीं कर सका मेरे ख्याल में, तो यहाँ पे मैं चलिए साइन अप बोल के ठीक हो गया। अब हमारा डैशबोर्ड क्रिएट हो चुका है, अब हम जिस तरह डेक्स को रन किया था अगर इसको रन करें तो नहीं रन होगा, रन हो जाएगा लेकिन एरर शो करेगा। कौन सा एरर करेगा, क्योंकि यहाँ कंट्रोलर के अंदर होम कंट्रोल के अंदर, पहली बात कि हम इस डैशबोर्ड का कंट्रोल होम के अंदर क्यों व्यू ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए होम है, होम में फोल्डर रखना और उसके अंदर डैशबोर्ड है, तो मतलब ये होम नामी कंट्रोलर का ये फोल्डर है, तो हम होम के अंदर आएंगे क्योंकि हमारा डैशबोर्ड व्यू जो है ना वो होम के अंदर पड़ा है। तो यहाँ पे आ चुके हैं, ये इसको कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी करने के बाद पेस्ट करें, और ये जो डैशबोर्ड जो हमारा व्यू है इसका जो नाम है यहाँ पे कर रहे पेस्ट कर दें। ये डैशबोर्ड पेस्ट हो चुके हैं, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन से पहले एक और चीज भी चेंज करनी है कि ये जो हमारे मौजूद पर खड़ा नहीं, जो भी थे जो बैठे
ये जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें ये रन हो चुका है, लेकिन लोगो जो है ना वो डिस्प्ले नहीं हो रहा हमारे डिस्प्ले एप्लीकेशन का। तो हम कर लेते हैं यहाँ से एक लोगो भी हम कॉपी कर लेते हैं गो प्रोजेक्ट से। नल के अंदर मैंने लिखा हुआ था इसके लिए। तो ये लोगो है हमारे एडमिन कंट्रोल में, ये पेस्ट करके दोबारा इसको चेक करते हैं। ये तो पेस्ट हुआ। इसके अलावा हमें फुटर की भी जरूरत है, यहाँ पे हम फुटर भी दे देते हैं। फुटर यहीं से ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ मैं इस प्रोजेक्ट से, और ये भी मैं उसी फाइल में ऐड कर दूंगा जिसके बारे में बताया कि मैं लिंक में दूंगा। ये फुटर भी हम दे देते हैं मुझे। तो वहां पे रख देते हैं एट रेंडर बॉडी के, तो यहाँ से इसके लिए इमेजेस भी देनी पड़ेंगी। पहले देख लेते हैं कि कितनी इमेजेस हमने यहाँ पे ऐड की हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो पड़ी होंगी इमेजेस। इधर देखते हैं एक है इसको, तो ये हो गया। अच्छा अपने इस प्रोजेक्ट में इमेजेस के अंदर पेस्ट कर दें। रनिंग पेयर तो नहीं कर रहा पेस्ट। इनको भी वहां पे पेस्ट कर देते हैं। तब देखते हैं कि यहाँ पे ट्विटर की ऐड हो चुकी है, बिल्कुल ट्विटर की भी हो चुकी है। ये सारी और लिंक भी इनके दिए गए पाथ के। अब हमें इस डैशबोर्ड को दोबारा से रन करते हैं।
ये लोगो ऐड हो चुका है लेकिन डिस्प्ले नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने अपने लोगो का नेम नहीं दिया था इसमें, जो अभी अब हाँ पे हमने एडमिन कंट्रोल ये इसको चेंज कर देना। बाकी ये टैलेंट इमेजेस का दिया हुआ है यहाँ पे, यानी लोगो ठीक हो गया। सेव करें, अब दोबारा यहाँ से रिफ्रेश करते हैं इसे। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो नीचे फुटर भी ऐड हो चुके हैं, बिल्कुल ये सारे फुटर्स भी ऐड हो चुके हैं। इस पर क्लिक करें तो ये हमें गूगल पे लेके चला जाएगा। इस पर क्लिक करें तो ये हमें कहाँ लेके जाता है इसको भी देख रहे हैं। फिर हम गूगल पे जा रहा है क्योंकि लिंक चेंज नहीं किया, ये चेंज कर देते हैं। गलत जगह पे हमने चेंज किया, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। बट नहीं कि अगर इमेज पे क्लिक करें तो तब भी ये हमें लेके जाए, और अगर कंटेंट पे लिखें तब भी ये हमें लेके जाए। दोनों तो से कंबाइन कर देते तो अच्छा होता, पर ठीक है ऐसे ही कर देते हैं। बिल्कुल ये हमारा लॉगिन का भी रेडी हो चुका है, और अब हमारा डैशबोर्ड भी रेडी हो चुका है। तो अब हमने काम क्या करना है, इसको यहाँ से क्लोज करें, अपना डाटा कनेक्ट करवाना है। कौन सा एसपीएस सर्वर ऑथेंटिकेशन वाला है? यहाँ पे हमने सर्वर का नेम देना है, कौन से सर्वर का नेम देना है जो हमने स्पॉट और एएसपी नेट के ऊपर होस्टिंग कोड का क्रिएट करके लिया था कि वो वाला। तो यहाँ पे गूगल पे आ जाना है, तो ये जी बिल्कुल यहाँ पे देखें ये रन हो चुका है, लेकिन लोगो जो है ना वो डिस्प्ले नहीं हो रहा हमारे डिस्प्ले एप्लीकेशन का। तो हम कर लेते हैं यहाँ से एक लोगो भी हम कॉपी कर लेते हैं और प्रोजेक्ट से। नल के अंदर मैंने लिखा हुआ था इसके लिए। तो ये लोगो है हमारे एडमिन कंट्रोल में, ये पेस्ट करके दोबारा इसको चेक करते हैं। ये तो पेस्ट हुआ,
इसके अलावा हमें फुटर की भी जरूरत है यहाँ पे, हम फुटर भी दे देते हैं। फुटर यहीं से ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ मैं इस प्रोजेक्ट से, और ये भी मैं उसी फाइल में ऐड कर दूंगा जिसके बारे में बताया कि मैं लिंक में दूंगा। ये फुटर भी हम दे देते हैं नीचे। यहाँ पे रख देते हैं एट रेंडर बॉडी के, तो यहाँ से इसके लिए इमेजेस भी देनी पड़ेंगी। पहले देख लेते हैं कि कितनी इमेजेस हमने यहाँ पे ऐड की है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो पड़ी होंगी इमेजेस। देखते हैं ये एक है, इसको ऐसे दो, ये हो गए। अच्छा अपने इस प्रोजेक्ट में इमेजेस के अंदर पेस्ट कर दें। रनिंग पेयर तो नहीं कर रहा पेस्ट। इनको भी वहां पे पेस्ट कर देते हैं। तब देखते हैं कि यहाँ पे ट्विटर की ऐड हो चुकी है, बिल्कुल ट्विटर की भी हो चुकी है, ये सारी और लिंक भी इनके दिए गए पाथ के। अब हमें इस डैशबोर्ड को दोबारा से रन करते हैं। तो ये लोगो ऐड हो चुका है लेकिन डिस्प्ले नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने अपने लोगो का नेम नहीं दिया था इसमें जो आप यहाँ वहाँ पे हमने एडमिन कंट्रोल ये इसको चेंज कर देना। बाकी ये कंटेंट इमेजेस का दिया हुआ है यहाँ पे, यानी लोगो ठीक हो गया। सेव करें, अब दोबारा यहाँ से रिफ्रेश करते हैं इसे। जी बिल्कुल यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो नीचे फुटर भी ऐड हो चुके हैं, बिल्कुल ये सारे फुटर्स भी ऐड हो चुके हैं। इस पर क्लिक करें तो ये हमें गूगल पे लेके चला जाएगा। इस पर क्लिक करें तो ये हमें कहाँ लेके जाता है इसको भी देख रहे हैं। फिर हम गूगल पे जा रहा है क्योंकि लिंक चेंज नहीं किया, ये चेंज कर देते हैं। गलत जगह पे हमने चेंज किया, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं।
वर्क नहीं, क्योंकि अगर इमेज पे क्लिक करें तो तब भी ये हमें लेके जाए, और अगर कंटेंट पे लिखे तब भी ये हमें लेके जाए। तो हम जो कंबाइन कर देते तो अच्छा होता, पर ठीक है ऐसे ही कर देते हैं। बिल्कुल, ये हमारा लॉगिन का भी रेडी हो चुका है और अब हमारा डैशबोर्ड भी रेडी हो चुका है। तो अब हमने काम क्या करना है,